मिसाइलों के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर हुआ भारत। सेना की जैसी होगी मांग, डीआरडीओ देगा वैसी मिसाइल। अब मिसाइल के मामले में सुपर पावर बनेगा भारत। दोस्तों, ताबड़तोड़ मिसाइलों का परीक्षण किए जाने के बावजूद अभी भी भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के खजाने में कई ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जिनके सारे परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं। आने वाले वक्त में आखिरी परीक्षण करके इन्हें सशस्त्र बलों को उपयोग के लिए सौंपा जाना है। देश को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को पूरा करने के साथ ही ये स्वदेशी मिसाइलें भारत को भी रक्षा तकनीक में लगातार कामयाबी दिला रही हैं। दरअसल डीआरडीओ के पास इतनी क्षमता विकसित हो गई है कि भारतीय सशस्त्र बलों की मांग के अनुरूप मिसाइल बनाकर दे सकता है, यानी जरूरत के अनुरूप जैसी मिसाइल सुरक्षा बल चाहेंगे उन्हें बनाकर दे दी जाएगी। बीते 40 दिनों में एक के बाद एक करीब 10 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया जा चुका है। ये उपलब्धि डीआरडीओ की क्षमता को ही प्रदर्शित करती है। डीआरडीओ ने पिछले 5 हफ्तों में जिन मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है उनमें शौर्य, ब्रह्मोस, पृथ्वी, रुद्रम 1 और टॉरपीडो वेपन सिस्टम शामिल है। डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने कहा कि भारत पिछले 5-6 सालों में मिसाइल सिस्टम के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ा है उससे हमें मिसाइलों को क्षेत्र में संपूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल हो चुकी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सेना को विदेशों से मिसाइल सिस्टम का आयात नहीं करने की जरूरत है, उन्होंने कहा सशस्त्र बलों को जरूरत के मुताबिक हम अब किसी भी तरह की मिसाइल विकसित करने में सक्षम है और मिसाइल निर्माण क्षेत्र की प्राइवेट कंपनियां भी हाईटेक हो चुकी हैं। वे अब हमारे साथ साझेदारी में सक्षम हो गई हैं। वो हमारे लिए मिसाइल बना सकती हैं और हमारी जरूरतों के मुताबिक बना सकती हैं। इसके अलावा सतीश रेड्डी ने हाल ही में लॉन्च की गई एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को लेकर कहा कि कुछ और ट्रायल के बाद मिसाइल वायुसेना को दे दिया जाएगा। डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने बताया कि विभिन्न परिस्थितियों में पूर्ण प्रणाली तकनीकों को साबित करने के लिए कुछ और परीक्षण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि परीक्षण होने के बाद मिसाइल को वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा जिससे दुश्मनों पर हमला करने में वायुसेना को मजबूती मिलेगी। ब्रह्मोस में पूरी तरह से स्वदेशी प्रणाली का इस्तेमाल। दोस्तों, भारत ने पिछले महीने ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया था जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर से ज्यादा है। अब डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने ब्रह्मोस के अलावा अन्य मिसाइलों के परीक्षण पर जानकारी दी। जी सतीश रेड्डी की माने तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। परीक्षण मुख्य रूप से मिसाइल में स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने के लिए किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली में शामिल कई स्वदेशी प्रणालियों का विस्तारित रेंज के साथ परीक्षण किया गया है। वही हाइपरसोनिक्स टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन व्हीकल की उड़ान परीक्षण पर उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब डीआरडीओ ने अच्छी मात्रा में इस तरह का प्रयोग किया है और इसने सफलतापूर्वक काम किया है। इसने हमारे लिए इन तकनीकों पर लंबे समय तक काम करने का एक रास्ता खोला है। इसके साथ ही निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल के उड़ान परीक्षण पर कहा कि निर्भय का पहले भी परीक्षण किया जा चुका है और उसने अपने सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। हम केवल इसमें स्वदेशी सामग्री बढ़ाना चाहते थे, उसके बाद इसमें कुछ खामी आ गई, हम इसे देख रहे हैं। डीआरडीओ के खजाने में अभी और हैं घातक मिसाइलें। दोस्तों, डीआरडीओ ने पिछले 40 दिनों में 10 मिसाइलों का परीक्षण किया है। इसमें से एक निर्भय मिसाइल का परीक्षण तकनीकी कारणों से पूरा नहीं हो सका, लेकिन आने वाले वक्त में वो भी पूरा होगा। हालांकि अभी डीआरडीओ के तरकश में कई ऐसे तीर हैं जिनको सेना में शामिल किया जाना बाकी है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM, ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाक से निकाली गई है। इसका विकास भारतीय कंपनी VEM टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी में डीआरडीओ ने किया है। ATGM कम वजन वाली लंबी बेलनाकार मिसाइल है जिसके मध्य भाग के चारों चार पंखों का समूह होता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 2.5 किलोमीटर है। इसके अब तक 5 परीक्षण किए जा चुके हैं। इसके अलावा आकाश मिसाइल मध्यम दूरी की मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली है। ये मिसाइल प्रणाली 18,000 मीटर तक की ऊंचाई पर 30 किलोमीटर दूर तक विमान को निशाना बना सकती है। इसमें फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे हवाई लक्ष्यों को बेअसर करने की क्षमता है। ये भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के साथ परिचालन सेवा में है। इस समय से चीन से तनाव के चलते पूर्वी लद्दाख की सीमा पर तैनात किया गया है। इसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से इसे अपग्रेड किए जाने की मांग की गई है ताकि मिसाइल अपने लक्ष्य को खुद ही खोजकर उस पर सटीक निशाना लगा सके। इस पर भी डीआरडीओ ने मिसाइल प्रणाली को अपग्रेड करके आकाश 1S नाम से पेश किया है।